अपने मोबाइल को स्मार्ट टीवी से कैसे कनेक्ट करें, जिससे कि आप अपने मोबाइल के फ़ोटोज़ और वीडियोस जो है अपने स्मार्ट टीवी में भी देख पाए। तो यहाँ से सबसे पहले आपको अपने स्मार्ट टीवी की सेटिंग्स में जाना है, और इसमें फिर यहाँ से नेटवर्क सेटिंग्स में जाना है, जनरल में यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग्स, और यहाँ से फिर यहाँ देख सकते हैं नेटवर्क सेटिंग्स। इसमें फिर आपको नेटवर्क टाइप सेलेक्ट करना है, और वायरलेस नेटवर्क को आपको सेलेक्ट करना है, यानी वाईफाई नेटवर्क से अपने टीवी को कनेक्ट करना है। आप अपने एक दूसरे किसी फ़ोन में हॉटस्पॉट सिंपली ऑन कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपने स्मार्ट टीवी को कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं, और ये यहाँ से हो गया कनेक्ट टीवी वाईफाई से। अब यहाँ से नेक्स्ट जो है ऑप्शन, अब आपको जो है अपने फ़ोन में वाईफाई ऑन करना है, और अपने फ़ोन को भी उसी वाईफाई नेटवर्क से यहाँ पर बात करें कनेक्ट कर देना है। फिर यहाँ से आपको सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कनेक्शन एंड शेयरिंग का, जिसमें आपको यहाँ पर देख सकते हैं कास्ट का ऑप्शन दिखेगा, जो कि आपको यहाँ भी दिख जाएगा ऊपर। अगर यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिखे आपके फ़ोन में, तो आप यहाँ सेटिंग्स में सर्च कर सकते हैं कास्ट लिख के। तो यहाँ से कास्ट को देख सकते हैं, यहाँ पर कास्ट स्क्रीन कंटेंट्स टू एन एक्सटर्नल मॉनिटर, यानी आपकी स्क्रीन पर जो भी शो हो रहा है, चल रहा है, वो आप एक्सटर्नल मॉनिटर पर शेयर कर सकते हैं। तो वाईफाई, ब्लूटूथ और इसकी मांगी परमिशन लोकेशन की, तो वो आपको दे देनी है। तो यहाँ पर सर्च हो रहा है डिवाइस, अगर आपके नहीं आती डिवाइस, तो यहाँ से बैक करके आपको जो है इस ऑप्शन में जाना है वायरलेस डिस्प्ले में, और अगर ये ऑफ़ है तो इसको ऑन करना है, और अगर ऑन है तो एक बार इसको ऑफ़ करके ऑन करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, आपके स्मार्ट टीवी शो हो जाएगी। तो यहाँ से भी आप अपने स्मार्ट टीवी को अपने फ़ोन को स्मार्ट टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर से यहाँ पर आएंगे कास्ट में और इसको ऑन करेंगे, तो यहाँ से अब आपकी जो है शो हो जाएगी डिवाइस यहाँ पर। तो इसको हम यहाँ से जो है बात करें कनेक्ट कर देते हैं। अब आपके स्मार्ट टीवी में ऐसा नोटिफिकेशन आएगा, उसको आपको अलाउ कर देना है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ से कनेक्ट हो गया। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जो भी शो हो रहा है, वही आपके स्मार्ट टीवी में भी साथ साथ शो हो रहा है। तो अब आप कोई भी ऐप वगैरह, फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखेंगे मोबाइल में, वो टीवी पर भी दिखेंगे बड़ी स्क्रीन पर।